एक सत्य घटना बता रही हूँ आपको। एक आदमी था। देखिए, किसी से यदि हम 10 रुपया देते हैं तो 20 रुपया मिलता है, तो समझो कि वह धर्म है। 100 दिए 200 मिला, 200 दिए 400 मिला, यह धर्म है। एक व्यक्ति, एक आदमी से मांग करके लाया 100 रुपया। 100 रुपया जब बोले जाकर के अगले को दिया, तो उसने जब वापस किया तो 200 रुपया वापस किया। 200 वापस किया तो सोचा, अरे ये तो बढ़ा करके वापस कर रहे हैं, तो अगली बार 200 दिया ले जा करके। जब 200 दिया तो अगली बार जब वो लौटाए तो उन्होंने 500 रुपया दे दिया। और जब 500 दिए तो अगली बार सोचा कि तो और बढ़ता ही जा रहा है, क्यों नहीं बढ़ा करके दूं। तो अगली बार उसने 10,000 रुपया दिया। तो जब 10,000 दिया तो उसको वापस जब किए तो 20,000 दिए। 20,000 जब दे दिए तब वो क्या किया, 20,000 दिए तो सीधे वो 40,000 रुपया दिया। 40,000 दिया तो फिर वापस किए तो उनको 80,000 मिला। अब सोचा कि अब इससे भी ज्यादा, तब क्या किया, 5 लाख इकट्ठा करके दिया। 5 लाख दिया तो अगले दिन 10 लाख मिल गया, दोगुना। 10 लाख मिला तो सोचा, अरे अब इससे बढ़िया कमाई और कहाँ होगा। अब उसके बाद आया तो सब कुछ बेच बांच के, खेत बारी सब कुछ, सबसे उधार बाकी लेकर के उसने 40 लाख रुपया दे दिया। अब जैसे ही 40 लाख दे दिया, अब कल का इंतजार कर रहा है कि 40 लाख का मुझे 80 लाख मिलेगा। वो 40 लाख लेकर के फरहा, उसको मिला क्या? उसने तो पहले थोड़ा थोड़ा दे करके मन को बढ़ा दिया, उसके बाद वो सब लेकर के फरार हो गए। उनको क्या मिला, वो तो 40 लाख लेके चला गया। इसलिए बिना पसीना के, बिना पसीना निकले यदि धन आपके पास आता है ना प्यारे, दोगुना वो लेकर के चला जाता है। ऐसा किडनी फेल होगा ना कि वो सीधे अस्पताल में ले जा करके डॉक्टर को दे दोगे। यदि किसी का दिल दुखा करके पैसा लोगे, पैसा कमाओगे, और यदि बिना पसीना का पैसा कमाओगे, तो वैसा किडनी फेल होगा घर में किसी का, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो सीधे डॉक्टर को 5 लाख एक ही बार ले जा करके दे देंगे। तो इसलिए बिना मेहनत का यदि पैसा मिलता है, समझ लो वो अधर्म की कमाई है। उसी प्रकार बिना खटे ही जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। यदि स्वर्ग का सुख पाना होगा तो हमको खुद मरना पड़ेगा। दूसरे के मरने से स्वर्ग में सुख मिलेगा, बताइए, मिलेगा? यदि आप चाहें कि हमको स्वर्ग मिला, काश किशोरी जी मर जाती तो हमको स्वर्ग मिल जाता, तो आपको मिलेगा नहीं ना। अपने स्वर्ग भोग, स्वर्ग का आनंद लेने के लिए हमको खुद मरना पड़ेगा, तब हम स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो नरकों में ठेला ठेली।